नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर ये खास बातचीत देख रहे हैं। हम हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह उफान जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जिस पर पूरे देश की नजर लगी है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इस बार काराकाट से क्या बड़ा कमाल दिखा सकती है। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े स्टार चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे में एक साधारण कार्यकर्ता कैसे लड़ाई लड़ पाए? साधारण कार्यकर्ता का लड़ाई जो है इस काराकाट संसदीय क्षेत्र में, यहाँ की सम्मानित जनता जो है वह जीती लाने का काम करती है। सम्मानित जनता के क्षेत्र में, काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो लोगों के बीच में आता है जाता है, उनको जनता जिताने की काम करती है। कोई हवा में आता है ऊपर से और कहता है कि हमको जो है यहाँ का क्षेत्र का जो है नेता बना दीजिए, और यहाँ से बनने के बाद लोग कहीं और चले जाते हैं, तो जनता इतना मूर्ख थोड़ी ना रह गई है कि आप आएंगे और आ करके लोगों से अपना दो बात इधर उधर कर लिए और उसके बाद से फिर आप गायब हो गए। लेकिन धीरज जी, आपके बारे में आप लोग विरोधी कह रहे हैं कि आप राजपूत बिरादरी से हैं और आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट का जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ पर एक बड़ा लत फेर करने की ताकत जिस जाति के वोट बैंक में है वो राजपूतों के वोट बैंक में है, क्या सेंध लगा पाएंगे? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी एक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पार्टी है, जिसमें सभी लोग उसमें हैं पार्टी में और सबकी हित की बात करती है। ऐसा नहीं है कि केवल दलित की बात करती है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सीटों पर देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है फॉरवर्ड क्लास के लोगों को सीट दिया है, जहाँ की अन्य दलों ने उनको डिनाई कर दिया, वहाँ पर बसपा ने उनको सीट दिया और वो लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सबका हित का ध्यान रखती है, सबको अपने जगह जगह पर क्षेत्र में देखती है कि उनका क्या समीकरण बन रहा है, उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर किस कैंडिडेट को हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे तो वह कैंडिडेट जो है हमारी सीट को सफल कर सके। एक बड़े भोजपुरी के गायक आ गए हैं, दूसरी तरफ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तीसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं उनके माथे पर सीधे महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव का हाथ है। ऐसे में ऐसे स्टार वार में आपको क्या लगता है, धन बल बाहुबल सबका इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में आप अपने आप को कहां देखते हैं? सबसे पहले तो जनता मालिक है और जनता किसी धन बल और उसका नहीं देखती। जनता ये देखती है कि कौन हमारे बीच में रहने वाला है, कौन जीतेगा तो हमारी समस्या को, हमारी बातों को सदन में पहुंचाने का काम करेगा। जनता इस चीज को देखती है और उसी को मत देती है और उसी को मत देख करके जिताने का काम करती है। जिस तरह का सामाजिक समीकरण इस बार काराकाट में बना है, ऐसे में अगर आप यहाँ से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो पहले पांच में क्या काम होंगे जो काराकाट के लिए आप करना पसंद करेंगे? अगर यहाँ की सम्मानित जनता अगर हमको सदन में भेजती है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व तो सदन में जा करके करें, तो जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहला काम तो क्षेत्र में शिक्षा का है। शिक्षा अगर आपके पास रहेगा तभी आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा तो शिक्षा पर होगा। शिक्षा के लिए यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब शिक्षा के स्तर पर बनाने का कार्य होगा काराकाट संसदीय क्षेत्र में, हम पहला काम वो करेंगे। दूसरा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेंगे कि हमारा काराकाट संसदीय क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। तीसरा काम करेंगे रोजगार के लिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ बिहार में देख रहे हैं कि यहाँ से लोग जो है मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अन्य जगहों पर जा जा करके लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ से लोग भगाए भी जाते हैं। तो हम अपना प्रयास नहीं करें कि हम ऐसा कार्य करें कि लोग दुख मैंने गुजरात से यहाँ पर बिहार में और यहाँ अपना हेड ऑफिस बना करके यहाँ से अपना कार्य संचालन करें, तो हमारी रोजगार पर भी बहुत मैंने वो रहेगा। दूसरी चीज़ सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इन सारी चीज़ों पर जो बेसिक चीज़ है लोगों की, उस पर हमारा पूरा। नए परिसीमन के बाद 2009, 2014, 2019 तीन चुनाव जो हैं यहाँ पर हो चुके हैं, तीनों बार एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, मोदी लहर की बात की जा रही है, आपको लगता है कि जो तीन बार नए परिसीमन के बाद जब से काराकाट अस्तित्व में आया है जो यहाँ से चुनाव जीते हैं, जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरा है?
देखिए अभी तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तो आप एक देखते होंगे कि गांव में गली में एक कुर्सी बेचने वाला भी जाता है तो बेचता है कि 400 रुपये में कुर्सी देंगे, लेकिन फाइनली वो अपना 150 रुपये में देकर के चला जाता है। तो वही आज की स्थिति वही है, सरकार कह रही है कि हम 400 पार लाएंगे लेकिन वह 150 160 में सिमट के रहते हैं। यह है धीरज कुमार सिंह और इनका मानना है कि काराकाट में जनता यानी लोकतंत्र में जिस लोग की बात करते हैं वही मालिक है, चाहे सपना दिखाने वाले मदारी कुछ भी दिखा ले, पर काराकाट की जो जनता है जमीन से जुड़े इस गरीब के बेटे को जरूर सदन में भेजने का काम करेगी। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम रहेंगे ग्रासरूट लेवल पर, लोगों से भी आपको बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि कैसे काराकाट में चुनाव की हवा बढ़ती तपिश के साथ बदल रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।